नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देवी सिंह राणा जी। राणा जी, आपका एसएम न्यूज़ में स्वागत है। जी, जय भीम, धन्यवाद साथियों जी। आज देवी सिंह जी, एक बात बताइए, आज इस आरक्षण रैली को बनाने का क्या औचित्य है? आज का मेन मकसद इस रैली का, वैसे तो 21वीं रैली है जी, 20 सालों से हम लगातार परिसंघ जी, SC ST OBC एम्प्लाइज ऑफिसर और आम जितना भी लोग है, SC ST दलित OBC, उनके बारे में मुद्दे उठाता रहा है। लेकिन आज इस रैली का, 21वीं रैली का विशेष ये है कि न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जजों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि एट्रोसिटीज़ कम हो जी। और एक रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर है जो डॉक्टर उदित राज जी ने बिल पेश कर दिया है जी। लेकिन अभी राज्यसभा और हमारा जो संसद से पास नहीं हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि जब देश, अगर सभी सरकारें चाहती हैं कि प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए, विकास तीव्र गति से होता है, तो विकास तो तभी तीव्र होगा ना जब जनता का भी विकास होगा। जो दलित OBC जनता को किसी भी तरह का रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार भी मिल रहा है तो वो उसमें पगार 10,000-12,000, उससे कुछ हो नहीं रहा सर। तो इसीलिए आज का एक मेन उद्देश्य कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, जिसका भी जितना प्रॉफिट हो जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उतना ही उसको पे अलाउंसेज मिलना चाहिए, जॉब सिक्योर होना चाहिए। और जहाँ जॉब सिक्योर है, जहाँ कानून व्यवस्था लागू है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है बाबा साहेब है, और बाबा साहेब जहाँ हैं तो किसी के साथ अन्याय हो नहीं सकता। तो हम ये सब कहना चाहते हैं कि जो SC ST OBC ही नहीं, हम सभी के लिए ये जो बैकलॉग वैकेंसी का हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैकलॉग वैकेंसी, लाखों लाख वैकेंसी पड़ी हैं सभी PSUs में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ग्रुप CD की भर्तियों पर आउटसोर्सिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हो रहा है, जिससे देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है। इसका आज का यही मेन उद्देश्य है।